है हरियाणा के जिला सिरसा का गांव ओटू। एक समय ऐसा था जब गांव के चारों ओर गंदगी के ढेर लगे थे। गांव के लोग सुबह शाम बाहर शौच जाते, जिससे गांव में गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन डीआरडीए सिरसा द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत टीम ने गांव का दौरा किया। गांव वासियों ने स्वच्छता के महत्व को समझा और इस अभियान का पूरे जोश के साथ स्वागत किया। उन्होंने खास तौर पर बच्चों को बाहर शौच जाने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बच्चों ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए इस अभियान से जुड़ने में जरा भी देरी नहीं की। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता। महिलाएं स्वच्छता अभियान से जुड़कर निगरानी करने लगी कि कोई शौच के लिए बाहर ना जाए। जो जाते उन्हें गांधीवादी तरीके से समझाया जाता। लोगों को कैसे समझाया? हमने समझाया था जी, भाई बाहर लेटरिंग ना करो, रोग गए गंदगी ना खिंडाओ। भी कुछ लोग तो ऐसे रुक भी जाते, कुछ ऐसे नहीं रुकते। जो नहीं रुके उनको कैसे समझाया? उनको हमने लड़ाई तो करी नहीं जी, रोक क्या तो था, पर कई है ऐसे जी के नहीं मानते। वो पर आज की तारीख में आपको अपना गांव ओटू कैसा लग रहा है? अब पहली तो ठीक है जी, पहली तो बहुत ही इस जगह से टपने में दिक्कत होती थी, तो हम सही है। खुश हो अब आप? हाँ जी। आपने लोगों को समझाया? हाँ जी। कैसे? इनको कहा बाहर जाना हानिकारक है, इससे कई बुखार और कई बीमारियाँ फैल सकती है, मगर उन्होंने फिर भी माना नहीं कही, तो फिर बाद में आखिर मान ही गए। तो अब कैसा लग रहा है आपको अपना गांव? अच्छा लग रहा है। अब खुश हैं सफाई? हाँ जी खुश है। कैसा लगता है अब आपको अपना गांव? गांव ठीक लगता है जी हमारे तो। हाँ। अब आप इस सफाई से खुश हो? हाँ सफाई तो खुश हाँ जी, आके बात है गंदगी तो फिर खुश हाँ ही है, भाई बाहर ना जवाब अब दो भाई, ऐसे अपना घर 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 खुदा ले अंदर ही दे जी। और जो बाहर जाने से महिलाओं को दिक्कत होती थी, उससे भी तो आराम पड़ा? आराम पड़ा कितना नहीं, एक एकदम बाथरूम आ जाता है उसके अंदर, फिर डस्ट भी आ जाता है, तो फिर बाहर जावे तो फिर रैली बीच में रह गया इंसान तो हैं। तो जी ये मतलब ये अभी घर खुल गई तो अभी कभी जाओ कभी आओ, रात में भी जाओ दिन में भी जाओ, क्या बात है। आपने भी लोगों को समझाया? हाँ जी। क्या समझाया? हमने समझाया बाहर गंदगी नहीं करनी, आपके अंदर कोई खुदाओ भाई, बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती यो। और भी ये कागज वगैरह ये सारे भी आपके घर में भी आती है उड़ उड़ के गंदगी, सफाई पूरी रखो जी। तो आपको लगता है कि आपने जब समझाया तो आपके गांव के लोग समझ गए? समझिए जी बस। अब कोई बाहर नहीं जाता? अब कोई नहीं जाता जी। आज यह गांव पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त है। गांव वासी घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। स्वच्छता का महत्व समझ चुके गांववासी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में रहने लगे हैं। नया साल नया सवेरा और नई खुशियां लेकर आया है।